वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर आपकी पीएचडी के लिए जो फॉर्म्स हैं वो आपके आउट हुए। और यहां पर आपकी दोनों टाइप की पीएचडी अवेलेबल है, जैसे आप फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं। पार्ट टाइम में आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर अराउंड 3.5 ईयर्स जो मैंशन है, और फुल टाइम में आपका 3 ईयर्स मैंशन है, तो अराउंड 5 मंथ्स का जो है आपको बेनिफिट अगर आप फुल टाइम करते हैं। पार्ट टाइम वाली जो पीएचडी है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो लोग टीचिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पर वो रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते, या फिर इस यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रहते हैं, और उनको अपनी ग्रोथ के लिए पीएचडी की रिक्वायरमेंट है और वो रेगुलर नहीं करना चाहते हैं, पर रिक्वायर्ड है उन्हें, होना चाहिए। तो ये आपका एक डॉक्टर के एन मोदी, एक आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 45 एकर्स में है। यहाँ पर बी फार्मेसी, एम फार्मेसी टू है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पीएचडी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में। लेकिन हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो हम फार्मेसी को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर अप्रूव्ड बाय पीसीआई एंड यूजीसी। फुल टाइम अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए 55% मार्क्स, जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए रहता है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन, मीन्स 50% चाहिए। और ड्यूरेशन जो है आपका 3 इयर्स का है। पार्ट टाइम में देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेम आपकी कंडीशन है कि 55% जनरल के लिए, और बाकी लोगों के लिए जो है आपका 50%। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 3.5 साल, ये बात आपको नोट करने वाली है कि नॉर्मली 4 साल 5 साल तक भी जाती है चीजें, उससे भी ज्यादा जाती है। तो यहाँ पर आपका ड्यूरेशन 3 साल और 3.5, ये है आपका। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फीस के रिगार्डिंग ही आता है। जो आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आप जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, दैट इज अराउंड ऑफ 5,000 रुपीज उसकी जो फीस है। कोर्स फीस अगर आप एडमिशन लेते हैं, जो आपका पर सेमेस्टर चलेगा, वो आपका 50,000 है। कोर्स वर्क एग्जामिनेशन 10,000, डीआरसी साइनोप्सिस सबमिशन फीस 10,000, थीसी सबमिशन फीस 40,000। तो कंप्लीट कोर्स की जो फीस है आपकी 3,65,000 है। नॉर्मली अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन की फीस भी देखते हैं तो वो भी आपकी 1 1 लाख और 1.15 लाख के अराउंड होता है, कि आपका 1 लाख या 1,15,000, 20,000 इतने आपका रहता है। तो इसमें आप पर एंट्रेंस एग्जाम फीस 5,000, कोर्स वर्क फीस 50,000, कोर्स वर्क एग्जामिनेशन फीस 10,000, डीआरसी साइनोप्सिस सबमिशन फीस ये आपका 10,000, और आपका थीसी सबमिशन फीस 40,000। तो कंप्लीट कोर्स जो आपका फीस है वो आपका 3,65,000 जो आपका रहेगा, क्योंकि तो पर सेमेस्टर तो आप 50,000 जो है वो दे ही रहे हैं, इस वजह से ही आपका इतना अमाउंट बनता है। जो लास्ट डेट है आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो अभी 9 जनवरी है, तो आपके पास करीब करीब 20-22 दिन है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की डेट आपकी 15 जनवरी है, 6 दिन बाद ही है। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और ऑलमोस्ट डन ही होता है कि यहाँ पर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड 10th मार्कशीट, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, माइग्रेशन, जो भी आपने अटेंड किया है, ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ही आपने अटेंड किया होगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री से हैं तो आपको वहाँ से एनओसी, या फिर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है ये फॉर्म भरने के लिए और इंटरव्यू के टाइम पे भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी एंड द पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।